मराठवाड़ा ही नहीं देश के कई हिस्से गर्मी आते ही पानी की किल्लत से जूझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो देश में ग्राउंड लेवल वाटर में तेजी से कमी आ रही है। सवाल यही है, सरकार इस मोर्चे पर कितनी तैयार है? एक ऐतिहासिक आदेश में महाराष्ट्र में लातूर के जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाई है ताकि एक वाटर टैंकर के आसपास चार से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो पाए। इस आदेश से कई लोगों को बेहद हैरानी हुई, लेकिन लातूर का ये मामला आपको थोड़ा अलग लग सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में पूरा मराठवाड़ा क्षेत्र सूखे के संकट से जूझ रहा है, जहाँ तालाब, जलाशय और बांध सूख चुके हैं। लेकिन इससे एक और संदेश मिल रहा है कि पूरे देश में पानी का संकट बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के जलाशयों में जल स्तर लगभग 58% है और ये सामान्य से नीचे के स्तर पर है और गर्मी के मौसम को देखते हुए ये एक चौंकाने वाली स्थिति है। दरअसल हर हफ्ते सरकार देश के 91 वाटर स्टोरेज की निगरानी करती है और इस बार उसने पाया है कि 16 राज्यों में पिछले साल के मुकाबले पानी का स्तर कम है, यानी हर दिन ग्राउंड वाटर का स्तर गिर रहा है। पिछले हफ्ते वाटर स्टोरेज में 2000 अरब लीटर की कमी आई है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत पूरी तरह से जल संकट के मुहाने पर खड़ा है। कुछ शहर मसलन लातूर में ये समस्या दस्तक दे चुकी है और धीरे धीरे ये समस्या दूसरे शहरों को भी अपनी चपेट में ले लेगी। लातूर की तरह बुंदेलखंड भी पहले से ही पानी की किल्लत से जूझ रहा है, यानी वक्त रहते समाधान नहीं निकला तो इस बार की गर्मी देश के लिए भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या हालत हो रखी है हम आपको दिखा रहे हैं। गर्मियों की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले देवी गोइंग का आपके पास में आऊंगी। वाटर कंजर्वेशन, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, आखिरकार इन पर कभी गौर क्यों नहीं किया जाता और अभी भी आपको लगता है इस पे प्रयास किया भी जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर मुंबई शहर की हालत देखें तो हमारी पूरी सर्वाइवल 5 या 6 लेक के ऊपर निर्भर है और हम देख रहे हैं कि हर साल मानसून में भी ये लेक्स भरते नहीं हैं। और अगर मानसून डिलेड होगी या वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी बारिश कम होगी तो आप 1,20,00,000 लोग को पानी कैसे पहुंचाओगे, उसके बारे में बिल्कुल कभी सोचा नहीं गया है। और म्यूनसिपैलिटी वाटर रिसाइकलिंग, वाटर रीयूज के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रही है और पुणे जैसे शहर में भी बिल्कुल वाटर रिसाइकलिंग और रीयूज की भी बात नहीं हो रही है। और हम देख रहे हैं कि सब जगह जंगल का नाश हो रहा है। हम सब जगह देख रहे हैं कि रेलवे लाइन या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या पोर्ट्स या किसी की वजह से भी जो भी डेवलपमेंट सोच रहे हैं जी, उसकी वजह से आप जंगल काटते हैं और बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है कि जंगल के बिना पानी देश को कैसे मिलेगा, उसके बारे में बिल्कुल कोई सोच नहीं रहा है। तो कोई सोच नहीं रहा है और ये लापरवाही वाला रवैया सामने आता है, क्योंकि हर बार अगर यही बात सामने आती है, लापरवाही ही तो सामने आती है। वंदना शिवा, आपके पास मैं अब आऊंगी ये जानने के लिए कि आखिरकार एक कलेक्टिव एफर्ट अब करने की कितनी जरूरत है। सरकार भी, हम आम जनता भी, एनवायरमेंटलिस्ट भी साथ में मिलकर कम से कम वाटर रिसाइकलिंग और वाटर हार्वेस्टिंग पर तो ध्यान दें और वाटर एक्सप्लॉयटेशन को बंद करना। मैंने 20 साल पहले पानी के लिए युद्ध किताब लिखी थी और जो लातूर में हो रहा है वही हो रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए, आज जो सीरिया की क्राइसिस है शुरू हुई थी 2009 में, जब ग्राउंड वाटर खत्म हो गया था, ऊपर से बारिश ने फेल कर दिया था, 10 लाख किसान शहरों की तरफ चले और अब आप देख रहे हैं आधा सीरिया खोखला हो गया है। वंदना, क्या किया जाए अब? हमें वंदना जी, क्या किया जाए? ना आए, मैं वही कह रही हूं, गन्ना उगाना बंद करो सूखे इलाकों में। हमारे यूपी जैसे गंगा के क्षेत्र में बहुत गन्ना है। दूसरा, रागी, मंडुआ, झंगोरा और ज्वार बाजरा खाओ, ये 250 मिलीमीटर लेते हैं। जब आप ये खाओगे आप पानी बचा रहे हो और आपके स्वास्थ्य के लिए भी भला है। तीसरा, रासायनिक खेती 10 गुना ज्यादा पानी मांगती है उतना ही खाने के उत्पादन के लिए। हरित क्रांति की वजह से हमारा पानी का संकट आया है। जैविक खेती की तरह और जैविक खाने की तरह मुड़ो, पानी का संकट खत्म हो जाएगा।
पानी सब में बड़ा डैम हमारा मिट्टी है, और जब हम मिट्टी में उर्वरकता डालते हैं, जैविक उर्वरकता, रासायनिक उर्वरकता नहीं, पानी भी बढ़ता है, खाना भी बढ़ता है, शहरों में लोग क्या कर सकते हैं, आमदनी भी बढ़ती है, आत्महत्याएं भी खत्म होगी। इन सब का एक ही सोल्यूशन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक खाना खाओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। पानी के संकट को डील करने के लिए और रास्ता नहीं है, क्योंकि केमिकल फार्मिंग पानी को खत्म करने का रास्ता जी, है जी। पंजाब का क्या बना दिया, पंजाब 5 नदियों का प्रांत है, मराठवाड़ा जैसा नहीं है, वहां पे मुश्किल आ रही है जी जी जी। तो फिलहाल ये सिर्फ कुछ ही शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश भर की बात के जब पानी का संकट आ रहा है जी 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 वंदना, यहाँ पर मैं अपने सहयोगी एहसान अब्बास के पास भी जाऊंगी, जो हम तक ये रिपोर्ट पहुंचा जिन्होंने पहुंचाई है। मुंबई में संकट बहुत गहरा होने जा रहा है, क्या बंदोबस्त किए गए हैं जिससे कि लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना ना पड़े एहसान? देखिए, मुंबई पहले से 20% पानी की कटौती झेल रहा है हर रोज़। यहाँ पर अगर स्लम एरियाज में देखें तो मुंबई में पानी की सप्लाई बेहद कम होती है, कुछ मिनटों के लिए होती है। वहाँ पोक स्थिति मुंबई शहर में, मुंबई शहर से लगा हुआ नवी मुंबई है, वहाँ पर भी पानी का संकट धीरे धीरे शुरू हो गया है, और जितनी गर्मी बढ़ रही है ये संकट बढ़ता जा रहा है। जो बिल्कुल मुंबई से सटे हुए दूसरे इलाके हैं, कल्याण है, डुमीवली, उल्लासनगर, इन शहरों में वैसे पानी की काफ़ी किल्लत रहती है, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ी यहाँ पानी किल्लत बढ़ रही है, तो साफ है धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों से बढ़कर शहरी इलाकों में महाराष्ट्र में जल संकट, पानी का संकट मुंबई खड़ा हुआ है जी। तो हमने एक सबका पक्ष जानने की कोशिश की, क्या किया जा सकता है और स्थिति इस वक्त क्या है, स्थिति और ना बिगड़े उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए देवी गोयनका, वंदना शिवा और एहसान अब्बास हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कहा जाता है जल ही जीवन है, तो अगर जल को आप और ज्यादा कंजर्व करेंगे वो आपके लिए ही जीवन दान लेकर साबित होगा। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।